बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया जद्दा से लाइव हूँ आप साथ में। अभी भाई मैं ये न्यूज़ आ चुकी है जी, कंफर्म न्यूज़ है, मैंने बोला आपका साथ भी शेयर कर दूँ। ख़ासकर वो मेरे भाई जो छुट्टी के ऊपर जा रखे हैं जी, उन्हीं के लिए है यार। इसमें होगा क्या मैं आपको तफसील से थोड़ा बता देता हूँ मैं। और अगर छुट्टी के ऊपर आप जाना चाहते हैं अभी सऊदी अरबिया से, टिकटों के रेट के मुतलक तो आपके साथ मैं कम्प्लीटली वीडियो शेयर कर चुका हूँ, सऊदी टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू सऊदी अरबिया, मुख्तलिफ एयरलाइंस के को लेकर मकतब से पूछ कर। और इसके अलावा अभी मैं देख रहा था कि कुछ भाई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी न्यूज़ भी लगा रखे हैं कि अगर आप अभी छुट्टी जा रखे हैं या छुट्टी जाने की आपकी सलाह है तो भाई 2-4 माह रुक जाएं। अब भाई पहले ही 1 साल से बंदे रुके हुए हैं, हकीकत बात है कि भाई फ्लैट्स ओपन हो तो हम छुट्टी जाएं, फ्लैट्स ओपन हो तो हम छुट्टी जाएं। आप मेरा खुद से मानना ये है कि बूस्टर डोज अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, डेट मिल रही है, तो बूस्टर डोज लगवा लें और छुट्टी कैंसिल मत करें, छुट्टी के ऊपर चले जाएँ। कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, आपने अगर बूस्टर डोज लगवाई होगी तो। अगर दोनों डोज ली हुई है तो फिर हो सकता है आने वाले 2-4 माह में, जाहिर सी बात है तकलना पर स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा, तो बूस्टर डोज लगवा कर चलाइए फिर बेस्ट है। बहरहाल अभी मैं आपको जो खबर से अपडेट करना चाहता था वो ये है भाई कि आप सऊदी अरबिया या अमारात वगैरह से भाई आप छुट्टी जाते हैं या पाकिस्तान खरूज के तौर पर चले जाते हैं या छुट्टी के तौर पर चले जाते हैं, तो आपका भाई रैपिड PCR टेस्ट पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर होगा। एक तो आपका वो PCR टेस्ट भी चेक किया जाएगा जो यहाँ से फ्लैट्स ओपन होने से पहले यानी कि 48 घंटे पहले आपने करवाया होगा, 48 घंटे के अराउंड में, और उसके बाद पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर भी आपका रैपिड PCR टेस्ट होगा। अच्छा, यूरोप कंट्री से जितनी भी फ्लैट्स आएंगी सब मुसाफरों का होगा, लेकिन जो सऊदी अरबिया या एमरेट्स वगैरह से यानी कि दुबई वगैरह मस्कत वगैरह से फ्लैट्स जाएंगी इनमें से 50% बंदों का होगा। अच्छा, एक ये चीज़ काबिल गौर है कि 50% बंदे कौन से होंगे भाई? अगर जहाज़ में 100 बंदा सफ़र कर तो 50 का होगा, 50 का नहीं होगा भाई। उसमें वो होंगे जिन बंदों ने, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में शुरू में बता चुका हूं, जिन बंदों ने बूस्टर शॉट भी यहां से लगवाई होगी उनका वहां पर वो रैपिड PCR टेस्ट भी नहीं करेंगे। क्यों? 3 डोज कंप्लीट है, यहां से PCR टेस्ट करवाया हुआ जो टिकट के साथ आपका लगा होगा वो सीधा जा सकेंगे। हाँ, जिन बंदों ने एक वैक्सीनेशन यहां से करवाई होगी या 2 करवाई होगी, दूसरी डोज को भी 6 माह होने वाले होंगे, तो उनका PCR टेस्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर किया जाएगा। इतनी ज्यादा वैसे खतरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप बूस्टर शॉट लगवा कर जाते हैं तो फिर आप सेफ हैं भाई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी आपका कोई भी किसी किस्म का PCR टेस्ट नहीं होगा और वापसी के तौर पर भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी।